टीचिंग क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों आज आपका जीके का टर्न है, तो निकालिए अपनी बुक, पिक्चर बुक, और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर। सो केजी क्लास, हम आपका पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 जिसमें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो तो पढ़ चुके हैं। अब आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में काफी पता है। अब हम पेज नंबर 4 पर आपका पढ़ने वाले हैं फूड। फूड का फर्स्ट पेज है, यानी कुछ ही फूड पढ़ेंगे। नेक्स्ट और भी पेजेस हैं, उनमें और भी फूड पढ़ेंगे। तो बच्चों फूड हम सबको बहुत पसंद होता है, खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो उन खाने में क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें टेस्टी लगती हैं, और क्या क्या चीज हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में खाते हैं, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में भी क्या कहते हैं। तो रेडी बच्चों, सो स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पिक्चर है हमारी पापड़ की। पापड़ आप खाते हो ना, शादी में जाते हैं वहां पर भी पापड़ मिलते हैं, एकदम क्रिस्पी टेस्टी पापड़ होते हैं। तो पापड़ उन्हें कहते हैं, इंग्लिश में भी हम उन्हें पापड़ ही कहते हैं। नेक्स्ट इज शुगर। आप देख रहे हो शुगर एकदम व्हाइट है, शुगर कहते हैं चीनी को। चीनी हर चीज में मिठास लाती है ना, तो जो चीज मिठास लाती है चीनी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं शुगर बच्चों। नेक्स्ट पिक्चर है ब्रेड की। ब्रेड आजकल हमारा बहुत ज्यादा मॉडर्न ब्रेकफास्ट है, मतलब मॉर्निंग में ब्रेड ही खाना पसंद करते हैं, चाहे वो रोस्टेड हो के, मतलब काफी अलग अलग तरह से लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड के सैंडविचेस वगैरह काफी चीजें टेस्टी बनती हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्रेड बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज पिज्जा। पिज्जा एक जंक फूड है बच्चों, मतलब बाहर मिलता है ये, और हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर होता भी नहीं है। वैसे हमें ज्यादा पिज्जा नहीं खाना चाहिए, हाँ, लेकिन आप मंथ में एक बार जरूर पिज्जा खा सकते हैं, जो आपकी बॉडी को ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। तो दिस इज पिज्जा बच्चों। स्पेलिंग याद करनी है आपको हर चीज की। नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आप अपनी डेली फूड में भी खाते हैं, और अगर नहीं खाते हैं तो आपको जरूर खाने चाहिए। राइस भी हमारी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो राइस को हिंदी में हम कहते हैं चावल, जो व्हाइट कलर के होते हैं ना बिल्कुल बच्चों, उसे हम कहते हैं चावल। नेक्स्ट पिक्चर है हॉट कॉफी। तो बच्चों बड़े लोग क्या करते हैं, जब उन्हें टायर्ड फील करते हैं, यानी तब उन्हें थकान होती है, तो वो मतलब कॉफी प्रीफर करते हैं। कॉफी हमको थोड़ा एक्टिव स्टेट में ला देता है, थोड़ा नींद को भगा देता है, तो ये होता है कॉफी। और कॉफी इतना ही ब्यूटीफुल कप होता है, अगर हम बाहर उसको कॉफी, हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में या होटल या कैफे में अगर कॉफी ऑर्डर करते हैं, तो इतना ही प्यारा सा कप लाते हैं, उसमें इतनी सुंदर सी कॉफी होती है। नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों चीज की। तो बच्चों चीज को हम पनीर कहते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके का चीज है, और भी तरीके के चीज मिलते हैं वैसे बच्चों, लेकिन जो हम कॉमन यूज में यूज करते हैं चीज, वो पनीर होता है, तो वो हमारा व्हाइट कलर का होता है, ये अलग टाइप का है थोड़ा चीज। नेक्स्ट पिक्चर है आइसक्रीम। बच्चों आप टेस्टी टेस्टी मीठी मीठी ठंडी एकदम आइसक्रीम खाते हैं ना, जो कि समर्स में तो हमें बहुत ज्यादा पसंद होती है, और अब आपने आजकल में खाई भी होगी आइसक्रीम, और नहीं खाई है तो जरूर खाइए, तो इसे हम कहते हैं आइसक्रीम। नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों जूस की। जूस फ्रूट्स के आते हैं, वेजिटेबल के भी जूस आते हैं वैसे बच्चों, और जूस हमारी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट होते हैं, काफी बेनिफिट देते हैं हमारी हेल्थ को, बॉडी को, और काफी अच्छे होते हैं, हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं जूस। तो जितना हो सके आपको जूस लेना चाहिए अपनी पूरे मॉर्निंग से, जो नाइट का रूटीन होता है उसमें, इवन वंस एक बार तो आपको लेना ही चाहिए जूस। नेक्स्ट है बच्चों दाल। दाल भी हमारे डेली जो फूड है, डेली डाइट है, जो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। दाल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें काफी प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बोन्स की और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज जैम। बच्चों किसान का जैम की फोटो है यहाँ पर, ये आपको मार्केट में मिलता है, ब्रेड पर लगाकर हम इसे खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है जैम, तो याद रखिए इसे जैम कहते हैं। नेक्स्ट है मिल्क शेक। तो मिल्क शेक हम अलग अलग जो फ्रूट्स आते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, उनका बना सकते हैं, और मैंगो डालकर मिल्क शेक बनाते हैं हम, बनाना डालकर मिल्क शेक बनाते हैं, तो ये भी बहुत हेल्दी होता है। दूध के साथ कोई भी फ्रूट चीज डालकर हम उसका मिल्क शेक बना सकते हैं, अच्छा होता है ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों मिल्क की। तो मिल्क तो आप जानते ही हैं, एक पर्सन के लिए जो सबसे बेस्ट फूड प्रीफर्ड होता है वो मिल्क ही होता है, और तो हमें इसे दिन में एटलीस्ट 2 ग्लास मिल्क तो हमें लेना ही चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है टी। टी बच्चों बड़े आज जो लोग होते हैं वो प्रीफर करते हैं, टी भी कॉफी का ही काम करती है, ये हमें एनर्जेटिक बनाती है थोड़ा सा, और बच्चों को टी नहीं लेनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए बच्चों को, तो बेहतर होगा कि आप टी अपने डेली रूटीन में ना इंक्लूड करें बच्चों।
याद रखे टी मतलब चाय। नेक्स्ट इज चिकन बच्चों, ये नॉन वेज फूड है और चिकन काफी मतलब क्लीनलीनेस काफी, चिकन भी बच्चों बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए, तो जो लोग नॉन वेज प्रीफर करते हैं वो चिकन खाते हैं तो उनकी बॉडी को काफी बेनिफिट देता है चिकन। नेक्स्ट इज बटर, बटर मतलब मक्खन, मक्खन भी बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए, ये इसमें थोड़ा फैट कंटेंट ज्यादा होता है, यानी चिकनाई जिसे हम कहते हैं वो ज्यादा होता है, तो बटर का मीन्स मक्खन है बच्चों, ये भी आपको खाना चाहिए। तो ये जितने भी बच्चों हमने फूड आज पढ़े हैं, आपको इन सबकी हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होनी चाहिए जब आप आएंगे, और आपको ये अभी से लर्न करना स्टार्ट कर देना चाहिए। नीचे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देते हैं हम। राइट टू नेम्स ऑफ योर फेवरेट डिश, आपकी जो फेवरेट डिश है, कोई भी दो फेवरेट डिश के आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि आपको शायद मटर पनीर पसंद हो, किसी को छोले भटूरे पसंद होंगे, किसी को राजमा पसंद होगा, तो जो भी आपको पसंद है आप दो डिशेस के नाम लिखेंगे अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर। नेम टू थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दो चीजें आपको वो लिखनी है जो दूध से बनी होती है, तो ऊपर से देखकर ही आप लिख सकते हैं। दूध से बच्चों पनीर बना होता है तो आप चीज लिख सकते हैं, दूध से हमारा दही भी बनती है तो कर्ड लिख सकते हैं, बटर जो है वो भी दूध से मिलता है हमें, जो मक्खन होता है उसकी मलाई से मतलब, तो दूध ही प्रोडक्ट है ये मिल्क का, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द डिश विच वी मेक आउट ऑफ शुगर मिल्क एंड राइस, ऐसी कौन सी डिश है जिसमें शुगर मिल्क और राइस डाले जाते हैं, तो बच्चों आपको पता होगा ये तो, और अगर नहीं पता है तो अभी मैं बताऊंगी और आपके मुंह में पानी आ जाएगा, तो वो डिश है खीर बच्चों, तो खीर हम खाते हैं वो राइस शुगर और मिल्क से ही मिलकर बनी होती है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर खीर। तो बच्चों ये आपको वर्क कंप्लीट करना है अपना, ये पेज लर्न करना है, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।